फ्रेंड आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे। एक इक्वेशन है जिसका पावर हमेशा मैक्सिमम 2 होना चाहिए। किसका पावर? वेरिएबल का। और यहाँ पर हम लोग एक ही वेरिएबल यूज़ करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल, या तो x या तो y या तो z या तो भी कोई भी एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर इसका जनरल इक्वेशन बता देता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन बता देता हूँ, जनरल फॉर्म हम लोग जो लिखते हैं वो। तो देखो जनरल फॉर्म क्या आएगा इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इसका जनरल फॉर्म है, इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन रहेंगी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेंगी। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ये एक्स जो है वेरिएबल है, वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती रहती है। वेरिएबल का मतलब ही होता है चेंज। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है वो हमारा वेरिएबल आएगा एक्स, जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है। यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू निकलती है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। तो हमारे यहाँ पर जो भी उसका आंसर निकलेगा एक्स का, वो दो निकलेगा, दो अलग अलग आंसर निकलेगा। ठीक है, या दो सेम आंसर भी निकल सकता है, बस दो आंसर निकलता है। ठीक है, अब आप देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये उसका जनरल फॉर्म है। एक्स मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, ये वेरिएबल होता है जो चेंज होते रहता है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या होता है, वेरिएबल, वेरिएबल। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से पहले जो ए है ये उसका कोएफिशिएंट है, जो कि कांस्टेंट नंबर, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 4x - 6 = 0, ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, देखो 2x² + 4x। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये 2 है, ये 2 क्या है, ये ए है, 2 क्या है, ये ए है, और यहाँ पर बी क्या है 4 है, मतलब ये नंबर है, तो नंबर कांस्टेंट होता है। एक्स जो है ये आपका वेरिएबल, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरिएबल मतलब होता है जो चेंज हो रहा है। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में इस एक्स के दो वैल्यू निकलेंगे, इस एक्स का दो आंसर निकलेगा, जिसको हम लोग रूट कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और रूट कितना निकलता है, 2। क्यों? क्योंकि इसका पावर क्या है, 2, मैक्सिमम पावर क्या है, 2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम पावर हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा। अगर आपको ऐसा लिखा गया ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2x² + 6 = 0, आप मुझे बताओगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो मैंने बताया आपको जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आप देखो ए की जगह पर 2 है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, प्लस bx का कोई फॉर्म नहीं है यहाँ पर, डायरेक्ट c है, c मतलब कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी नंबर आ सकता है, पर कोई भी नंबर आ सकता है। तो bx हमारा यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी या नहीं होंगी, जी हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फर्क इतना है, जो bx वैल्यू है वो 0 है, तो मैं यहाँ पर 0x लगा सकता हूँ ना, 0x लगा सकता हूँ। देखो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये वैल्यू 0 हो सकती है, ये वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन ये वैल्यू 0 नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये 0 हो गई तो एक्स स्क्वायर आपका चला जाएगा, और मैक्सिमम पावर एक्स का स्क्वायर ही नहीं है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 नहीं है, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएंगी। तो ये समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो इस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, और इसका जो भी रूट निकलेगा वो 2 निकलेगा, उसकी दो वैल्यू रहेंगी, अलग अलग भी होती है, सेम भी होती है, समझ में आया। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन।